नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास कार्यक्रम पूछता है उत्तराखंड। और आज पूछेगा उत्तराखंड कि आखिरकार 10 मार्च को उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी। क्या फिर एक बार उत्तराखंड की जनता भाजपा पर भरोसा करेगी या फिर इस बार सत्ता कांग्रेस के हाथों में होगी। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी, आखिरकार इस बार मुख्यमंत्री कौन होंगे? क्या हरीश रावत को कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर भाजपा से फिर से एक बार पुष्कर सिंह धामी पर ही दाव खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले ही उत्तराखंड की सियासत में कई चौंकाने वाले सवाल सामने आने लगे हैं, और वो सवाल हैं कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि हरीश रावत ये दाव कर चुके हैं या वो दाव खेल चुके हैं कि वही कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। और उसके साथ ही उन्होंने कई बड़े, ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि जैसी उनकी सरकार आती है तो सबसे पहले कैबिनेट में जो फैसले लेंगे वो भी वो जनता के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार हरीश रावत क्या पार्टी से बड़े हो गए हैं? हरीश रावत क्या इतने बड़े चेहरे अपने आप को उत्तराखंड में मानने लगे हैं कि 10 मार्च का इंतजार भी वो नहीं कर रहे हैं? या फिर यूं कहा जा सकता है कि हरीश रावत पहले ही समझ चुके हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री वही होंगे, यानी कि हाईकमान से पहले उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना उत्तराखंड में शुरू कर दिया है। चलिए एक बार आपको सुनाते हैं कि आखिरकार हरीश रावत कह क्या रहे हैं और किस तरीके की घोषणा वो जनता के लिए कर रहे हैं। क्या आगे करके दिखाना है जिसको अभी तक नहीं कर पाए और जिसको हम अपने घोषणा पत्र में भी सम्मिलित नहीं कर पाए, उनमें से एक काम हमारे कर्मकांडों से संबंधित है। मुंडन एक बड़ा संस्कार है, दोनों तरीके से व्यक्ति को सांस्कारिक बनाने के लिए भी, और जब किसी का देहांत होता है तो उसके अपने लोग मुंडन करते हैं, पुत्र भी करते हैं, भाई बिरादर भी करते हैं। पहले ये मुंडन कर्म करने वाले कुछ लोग होते थे, अब वो धीरे धीरे समय के प्रवाह के साथ विलुप्त हो रहे हैं। फिर भी यदि कुछ लोग ऐसे मुंडन कर्म करने वाले होंगे तो उनके लिए भी मैं चाहूँगा कि राज्य एक सम्मान पेंशन प्रारंभ करे। रावत कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे ही उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो कैबिनेट की पहली बैठक होगी उसमें वो जिस तरीके से ताबड़तोड़ निर्णय लेंगे जो पिछली सरकारों ने नहीं लिए, और जब उनकी सरकार थी तो जिन फैसलों को वो अभी तक नहीं ले पाए थे उन फैसलों को वो जल्द लेंगे। यानी कि ये साफ है कि हरीश रावत कुल मिला के ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनती है तो फिर सबसे पहले वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और मुख्यमंत्री बनने के साथ ही पहली कैबिनेट बैठक में वो काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि चुनाव से पहले सीएम चेहरे को लेकर हाईकमान ने कोई फैसला नहीं लिया था, और यही वजह थी कि खींचतान कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। और अंतिम में हाईकमान ने ये फैसला लिया कि सबके चेहरे चुनाव में उतारे जाएंगे, यानी कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मतदान होने के बाद हरीश रावत फिर एक बार अपने आप को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं?
इसी सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों का आपके सामने स्वागत करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं संजीव वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्मा जी। इसके साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ राव बिलावर साहब हैं, राव साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी से दीपक पांडे जी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े हैं, पांडे जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल राव साहब आपसे है, क्या हरीश रावत पार्टी से बड़े हो गए हैं, या ये माना जा सकता है कि वो पहले ही अपने आप को सीएम का चेहरा घोषित कर रहे हैं? राव साहब जी 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 मैं सुन रहा हूँ, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन पार्टी ने उनको जो बड़ापन दिया हुआ है, पहले ही उनको चुनाव समिति का चेयरमैन घोषित किया गया है, उसके हिसाब से माननीय हरीश रावत जी अपनी बातों को रख रहे हैं और जनता के हित में की गई बातें उसमें कोई भी व्यक्ति विशेष या कुछ नहीं होता। जो भी किया गया है माननीय हरीश रावत जी ने कहा है कि हमारी कैबिनेट में, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी कैबिनेट में, तो ये भी सारा उत्तराखंड जानता है कि किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है, कौन चुनाव लड़ा रहा था, किसने जगह जगह जाकर लोगों को कांग्रेस के प्रति लामबंद किया, किसकी कितनी मेहनत है, ये सब हमारे हाईकमान को, आला कमान को और हमारे शीर्ष नेतृत्व को भली भांति से पता। आप मेरी बात समझे नहीं, हरीश रावत ने तो कहा कि ठीक है कि पहली कैबिनेट में, लेकिन आप मानेंगे कि यदि हरीश रावत को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो क्या मंत्री के तौर पर काम करेंगे आपकी सरकार यदि बनती है तो, ये मानते हैं आप? देखिए मैंने आपको बताया है सर के चुनाव समिति का चेयरपर्सन माननीय हरीश रावत जी, और मुझे कोई शंका कोई इस बात में कोई भी शंका बिल्कुल नहीं है कि माननीय हरीश रावत जी ही उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा चेहरा है जिन्होंने किया है और जो कर सकते हैं। नहीं, आपकी पार्टी में और कोई चेहरे नहीं है जो सीएम बन सकते हैं? प्रीतम सिंह चेहरा नहीं लगते आपको? मैं गणेश गोदियाल चेहरे नहीं लगते आपको? हमारी पार्टी में बहुत से चेहरे हैं, लेकिन आप ही सम्मानित हैं और आपको भी भली प्रकार से पता है कि हमारी पार्टी का एक रीति नीति है कि जो जितना करता है उसको इतना दिया जाता है। हरीश रावत जी ने जितनी मेहनत की ये पूरा उत्तराखंड का जन जन जानता है, और जन जन हरीश रावत जी से पूर्ण रूप से इस बात से मानता है कि किसके चेहरे पर किसके नाम पर हाईकमान के अनुसार उन्होंने उत्तराखंड में आज जो हम सरकार का दावा कर रहे हैं, कांग्रेस का दावा कर रहे हैं, ये किसकी मेहनत से कर। चलिए वर्मा जी, राव साहब तो कह रहे हैं हरीश रावत ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन क्या लगता है आपको प्रीतम सिंह उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद शांत रहेंगे? सुभाष जी, सबसे पहली तो विषय ये है कि सूत न कपास जुलाहों में लठम लठा, दूर से दूर तक कहीं से कहीं तक भी कांग्रेस सत्ता से मैं सोचता हूँ बहुत बहुत दूर है, सत्ता में कहीं भी कांग्रेस आ नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में वापसी कर रही है एक प्रचंड बहुमत के साथ, और जिस तरह से जनता का एक भारी उत्साह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव के दौरान दिखाई दिया, जिस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, जिस तरह से कोरोना काल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्त राशन बांटा, मुफ्त दवाइयां बांटी, मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स बांटे, मुफ्त की दवाइयां बांटी, और लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच रही। और इसके इतर आप यदि देखते हैं तो पूरा विपक्ष पूरे कोरोना काल के पूरे 2 साल के अंतराल में जिस समय उनको सड़कों पर होना चाहिए था, जिस समय उनको जनता की जिस समय उनको जनता की से कि क्या, हाँ, अगर कांग्रेस जीतती है, राव साहब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हरीश रावत ही होंगे, तो आपको लगता है सुभाष जी मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, मैं लेकिन ये भी बताना जरूरी समझता हूँ, जिस समय विपक्ष को सड़कों पर होना चाहिए था उस समय विपक्ष सोया हुआ था, आइसोलेशन में था, और
अब क्योंकि 14 तारीख को चुनाव संपन्न हो चुका है, 10 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आएगा, और चुनाव का जो रिजल्ट आएगा, चुनाव का रिजल्ट भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का काम कांग्रेस के द्वारा लगातार किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। और माननीय हरीश रावत जी रोजाना इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने 14 तारीख को एक तरह से स्वयंभू मुख्यमंत्री अपने आप को घोषित कर दिया है, बगैर चुनाव परिणाम आए, बगैर ये देखे कि मैं जिस विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा हूं, क्या मैं उसमें जीत भी रहा हूं या नहीं। जिस तरह से कांग्रेस के इनके अलग अलग गुटों के रोजाना बयानबाजी आ रही है कि कांग्रेस के कांग्रेस का जो चेहरा बनने का सपना देख रहे हैं, जो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, क्या क्या वो लाल कुआं से अपना घर भी बचा पाएंगे। इस तरह के जो कयासबाजी लगातार लगाई जा रही है, हरीश रावत के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से हरीश रावत ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आते ही वही मुख्यमंत्री हैं, लगता है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो आराम से अपनी सरकार चला पाएंगे, क्योंकि विरोधी सुभाष जी देखिए, लगातार हम बोलते रहे हैं कि भारत की कांग्रेस के अंदर जबरदस्त उठापटक की स्थिति है, कांग्रेस में आपसी मतभेद, आपसी लड़ाई इतनी चरम पर है, एक नेता दूसरे को कहीं से कहीं तक भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। और मैं साथ ही ये भी बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से हरीश रावत जी आज कल चुनाव के दौरान लगातार मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, जुम्मे की छुट्टी की बात कर रहे थे, आज कल तक जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, कल तक जो जुम्मे की छुट्टी की बात कर रहे थे, आज वो मुंडन की बात करने लगे हैं, आज वो हमारे दलित समाज को पेंशन देने की बात करने लगे हैं। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस जो बोलती है करती नहीं है, जो जो करने की उनकी मंशा होती है वो बोलते नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने आज तक पूरे देश की जनता को भ्रम में रखा, झूठ बोला, और झूठ बोलने का काम कांग्रेस लगातार करती रही, झूठ बोलने का काम कांग्रेस लगातार करती रही। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। वर्मा जी आप कह रहे हैं उनकी पार्टी में ही आपस में विरोध है, तो आपकी पार्टी में नहीं, आपके तो प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगा दिए चुनाव समाप्त होते, यानी चुनाव यानी कि मतदान खत्म होने के बाद एक ही जिले के आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं हरिद्वार, और उसी जिले के लक्सर से विधायक हैं और प्रत्याशी भी थे आपके संजय जी, उन्होंने कोशिश की तो उस पर आपका क्या सुभाष जी, वो है कीमा जी है काशीपुर से, सुभाष जी, कैलाश गहलोत जी, आज ही कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रंजीत रावत जी, उन्होंने अपना एक बयान दिया है, यदि होता किन्नर नरेश मैं तो राजमहल में रहता, सीधा सीधा एक कटाक्ष किया उन्होंने हरीश रावत जी के ऊपर कि कुछ हुआ है नहीं, और आप मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने लगे, और आपका यह सपना कहीं से कहीं तक भी पूरा होने वाला नहीं। वो स्वयं ही स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस कहीं से कहीं तक भी सरकार में आ नहीं रही है, और जिस तरह से कांग्रेस ने परिणाम से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। दीपक जी से एक सवाल लेते हैं, दीपक जी ये बताइए आप,
कि आपने सुना राव साहब कह रहे हैं कि भैया हरीश रावत हमारे सबसे वरिष्ठतम नेता हैं, उनको हम सीएम चाहते हैं। वर्मा साहब कह अच्छा, रहे हैं राव साहब मेरी बात कहेगा राव साहब, मैं भी छप्पन लाल कुआं विधानसभा से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सवाल भी यही है आपसे। आप लाल कुआं के रहने वाले भी हैं, आप बहुत ग्राउंड जीरो पर भी देख रहे होंगे स्थिति, लेकिन जिस तरीके से वर्मा जी कह रहे हैं कि हरीश रावत पहले अपनी सीट बचा लें उसके बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, मैं दोनों जो हमारे प्रवक्ता आए हैं, मैं पहले उनके भी बता दूं कि देखिए जो दोनों सीटें हैं, चाहे खटीमा की सीट है या लालकुआ की विधानसभा की सीट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपने अगर खटीमा में देखेंगे तो कहीं ना कहीं साड़ी बांटते हुए भी कहीं ना कहीं हमने सीएम धामी जी को देखा है कहीं ना कहीं, और लालकुआ में भी सारी चीजें हुई हैं जो शराब और पैसे का धन बल का पूरा प्रयोग किया गया है। अगर इन लोगों ने काम किया होता तो कहीं ना कहीं इनको ये डर नहीं होता, ना इनको इन चीजों का यूज करना पड़ता। अगर इन्होंने इनको पता था हमने तीन तीन मुख्यमंत्री बदले हैं, कई चीजें हैं, एंटी कैम्पेंसी आएगी, इसलिए सीएम साहब तक को मैदान में इसलिए उतरना पड़ गया कि उनको साड़ियां तक बांटनी पड़ गई, पैसे तक बांटने पड़ गए। आपने देखा कि कितने वीडियो वायरल हो गए वहां पे। आप खंडन कीजिएगा, वो बकायदा वीडियो वायरल है, मैं खुद भेज दूंगा, है टीम के पास। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इन लोगों ने काम करा होता, अगर इनको सत्ता पक्ष का डर नहीं होता, इनको 60 पार का नारे से संतुष्ट होते तो इनकी स्थिति नहीं बनती। हरीश रावत जी के लिए भी यहाँ कांटे की टक्कर है, इतना कोई आसान नहीं है रण जीत पाना, लेकिन ठीक है, हरीश रावत जी एक बड़ा कद है, सारी चीजें हैं, इसलिए जो हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं उन्होंने ये कहा है कि वो पहले भी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे तो मुख्यमंत्री की अपेक्षा करेंगे, किसी के अंडर में तो काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात यह है कि इनका जो खेला खराब होने वाला है बीजेपी और कांग्रेस का, कहीं ना कहीं बहुत से जो निर्दलीय हैं और आम आदमी पार्टी के जो सीट्स निकल के आएंगी, कहीं ना कहीं वो इनको पूरे बहुमत में नहीं आने दे रही, क्योंकि त्रिकोण से बनी हुई सीरीज है, बहुमत में कोई भी सरकार नहीं है इसमें। और जो लोग सोच रहे हैं कि इतना आसान है त्रिकोण में कि बीजेपी सरकार बन जाए, कांग्रेस बन जाए, वो लक्षण मुझे दिख नहीं रहे, कहीं ना कहीं आप देखिएगा निर्दलीय होगा। और आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी भी कुछ बेहतर नहीं कर पा रही, इसलिए आपने कहा कि निर्दलीय ज्यादा नहीं कर, यानी कि उम्मीद आपको अपनी पार्टी से कम है। सर, मैंने निर्दलीय इसलिए कहा क्योंकि बहुत से इन्हीं की पार्टी के लोग हैं ना जो बागी हुए हैं कहीं ना कहीं, जैसे संध्या डालाकोटी है, उन्होंने खेल खराब कर रखा है, उधर राजकुमार ठुकराल जी ने खराब कर रखा है, बहुत से सारे ऐसे मित्र हैं हमारे जिन्होंने कर रखा है, मैंने उस भी आप पे कहा है, अपनी पार्टी के ऊपर मैंने कहा। देखो, हम तो पहले से कोई बात करते हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं ना, हम किसी को जीतने आए ना किसी को हराने आए, हम जनता का दिल जीतने आए हैं। हम जहां भी पहुंचेंगे जीरो से बहुत ऊपर होंगे, हम अपने आप को नीचे नहीं मान रहे, हमें इस बात की खुशी है, जनता ने हमें जितना भी स्वीकार करा, हमने ग्राउंड वर्क पे सारा काम करा है, हमने हर बिजली यूनिट कैंपेन से लेके, एजुकेशन यूनिट से लेके और कैंपेन से लेके, आपके रोजगार गारंटी कार्ड से लेके और तीर्थ यात्रा सभी गारंटी कार्ड से लेके हमने जन जन तक पहुंचे। तो बहुत जनता कितना, आपने ऐसी गारंटी दी कि आपके जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो पार्टी छोड़कर चले गए चुनाव से पहले। सर, वो हर पार्टी में होगा, वो कोई इशू नहीं। सर, मैं बताऊं, अगर आप आंकड़े देखेंगे ना, आपके सवाल का जवाब ले लेते, आप अगर आंकड़े देखेंगे तो उन लोगों ने पार्टी छोड़ी जिनको टिकट नहीं मिला है। हरीश रावत जी की राह आसान नहीं है, तो रावत जी ने जीता ही है। राव साहब, मैं किसी चीज पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, देखो आपके भी सम्मानित है, हमारे सम्मानित है, उत्तराखंड की राजनीति में एक अहम रोल रखते हैं। मुख्यमंत्री के सपने देखेंगे, पहले अपनी विधानसभा को जीते, तो लगता है डालाकोटी जी बड़ा डैमेज हरीश रावत को कर रही हैं। जी, मैं मान रहा हूँ, देखिए सब चीजें अभी खुलने वाली चीजें हैं, लेकिन एक बड़े नेता की और एक वरिष्ठ नेता की यही पहचान होती है कि वो लिफाफा को देख कर मजनून भांप लेता है। अब संजू शर्मा जी ने जो कहा कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो लक्सर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि लिफाफे को देखकर मजनून भाजपा और हमारी मुख्य जो पक्ष पार्टी है, जो अभी सरकार चल रही थी, वो मजनून को समझ चुके हैं, जनता ने क्या लिखा है, जनादेश। काशीपुर के चीमा जी ने भी ये बात करी है, काशीपुर के चीमा जी ने कही, लोहा घाट के कैलाश गहतोड़ जी ने कही इस बात को, तो जो बीजेपी में हुआ है हरार, नाराजगी तो सभी लोग ही अपनी अपनी नाराजगी है। अगर आप हमारी बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की नाराजगी कांग्रेस में भी बहुत है, आइसोलेशन वाली बात कही, संजीव शर्मा जी ने आइसोलेशन में जाने की बात कही, केवल टिकट को लेके है, टिकट को लेके लोग नाराज रहे हैं। सवाल आपसे फिर से बन रहा है, राव साहब कह रहे हैं कि लिफाफा देखकर तोला जाता है,
तो लगता है क्या मदन कौशिक जी पर भारी पड़ने वाले हैं, उनके छोटे छोटे पैकेट उनके ही विधानसभा क्षेत्र के, यानी कि उसी जिले के जिस जिले से मदन कौशिक जी हैं। लस्कर सुभाष जी देखिए, ये जो परसों एपिसोड हुआ इसका हमारे केंद्रीय जो हमारा नेतृत्व है उसने पूरी तरह से संज्ञान लिया है और इस प्रकरण की पूरी जांच चल रही है और इस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा आने वाले समय में जो भी जांच होगी वो उसके परिणाम आपके सामने आएंगे। और जिस तरह से अभी हमारे राव साहब कह रहे थे कि जैसा हरीश रावत जी चाहेंगे वो हमारे संचालन समिति के अध्यक्ष थे, तो क्या संचालन समिति के अध्यक्ष के पास एक आपका अपना एक सीएम चेहरा घोषित करने की भी एक डिसाइड पावर, एक अथॉरिटी आपको आप लोगों को मिलती है? क्या हरीश रावत जी कांग्रेस पार्टी से बड़े हो गए, संगठन से बड़े हो गए? कांग्रेस पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता कांग्रेस पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता चरम पर है। आप लोगों के कार्यकर्ता अपने प्रदेश के महामंत्री को सरेआम पीट देते हैं, सरेआम अभद्र गालियां देते हैं, सरेआम अभद्र उसके ऊपर टिप्पणियां कर देते हैं और आपका जो महामंत्री संगठन वो वहां पर मूक दर्शक होकर आप खड़े रहते हैं। आपके हरीश रावत जी जो जनरल बाजवा जो संस्कार की जिस तरह से जो आप करते हैं राजनीति करते हैं, अगर प्रत्येक और उसी तरह से पंजाब का तीसरे से चौथा परिवार सेना में शामिल है, सेना को अपनी सेवाएं दे रहा है, हमारी सेना की हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहा है और उसके बावजूद आप एक ऐसे प्रांत के एक वरिष्ठ नेता होते हुए आप लोग जनरल बाजवा को अपना भाई बोलते हैं, जो जिसके हाथ हमारी सेना के रक्त से रंगे हुए हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए आप लोग इतनी घृणित राजनीति करते हैं, आप लोग राष्ट्रद्रोह से भी ऊपर हट के उससे भी ऊपर उठ के आप लोगों को केवल सत्ता प्यारी है, उसके लिए आपको चाहे अपने सैनिकों का अपमान करना पड़े, चाहे किसी भी हद तक आप लोगों को जाना पड़े, आप लोग जाने में गुरेज नहीं करते, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए, पूरी जनता के सामने आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। कुछ किसानों की सुभाष जी अभी कांग्रेस ने जिस तरह से 500 रुपए का सिलेंडर की एक बात कही, 500 रुपए का सिलेंडर देने की, 500 रुपए का सिलेंडर देने का आप लोगों ने जनता के साथ, उत्तराखंड की जनता के साथ एक वायदा किया। मैं कहता हूँ चुनाव गया और 3 दिन में ही आपने अपना आप अपने वायदे से पलट गए। अभी तो चुनाव परिणाम भी आया नहीं है, अभी से आपके नेता उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करने की बातों पे आ गए हैं। वो बोलने लगे कि हमने जो 500 रुपए का सिलेंडर की बात करी थी, हमने सारी जनता को 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात नहीं की, और हमारे हम कहां से लेके आएंगे, हम उसका इंतजाम कैसे करेंगे? जिस समय आप लोग कागजी घोषणा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने उसी समय आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया था कि आप लोग झूठी, हमारी सरकार आ गई। वर्मा जी एक छोटा सा सवाल आपसे लेंगे। वर्मा जी मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि यदि आपकी सरकार बनती है तो क्या सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे? वर्मा जी मेरा सवाल सिलेंडर है, हमने वलाने वर्ग के लिए करी थी। वर्मा जी मेरा सवाल है, अगर आपकी सरकार बनती है तो पुष्कर सिंह धामी आपके मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे? बिल्कुल होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पूर्व ही
अपने युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और हम दावे के साथ कहते हैं हम 60 पार का जो हमारा ध्येय है हम अपने ध्येय को प्राप्त करने जा रहे हैं। जनता का भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और हम पुनः सत्ता में वापसी कर रहे हैं अपने युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। हम दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और उत्तराखंड में दोबारा से डबल इंजन की। तो राव साहब लगता है कि क्या, लेकिन मुझे जवाब हर चीज का आता है। अब राव साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि यदि हरीश रावत को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाता है तो आपकी पार्टी के जो अन्य नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं वो उनकी सरकार को चलने देंगे 5 साल तक? देखिए सर, हमारा शीर्ष नेतृत्व विधायक दल की एक अपनी परंपरा होती है, एक अपना संविधान होता है, उसके दायरे में कोई भी नेता शीर्ष नेतृत्व से बड़ा नहीं। और संजीव शर्मा जी ने कुछ बातें कही, ये पंजाब तक हो आए, पंजाब के बाद ये दिल्ली तक चले गए। मैं युवा हूँ और मैं सारी चीजें जानता हूँ, लेकिन मेरे मैं कह रहा हूँ चलने देंगे 5 सालों तक चलने देंगे सरकार आपके ही नेता। अभी 14 तारीख के बाद क्या होगा उस पर आज बात करना। सुभाष जी 14 तारीख को पहली बात तो ये बता दीजिए, अगर हरीश रावत बनते हैं तो चलने दी जाएगी सरकार 5 साल बेहतर तरीके से चलेगी। सबसे अच्छा चलेगा, 3 मुख्यमंत्री नहीं बदलने पड़ेंगे इस काम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद राव बिलावर साहब। किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी बात रखी और आम आदमी पार्टी भी कहती हुई नजर आई कि इस बार सरकार की नहीं बल्कि सर्वदलीय यानी कि सभी दलों की मिलके बनेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से हरीश रावत अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं और पूरी तरीके से वो बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि सरकार बनती है तो वो किस तरीके के फैसले जनता हित में लेंगे, लेकिन क्या इसका फायदा कांग्रेस को होगा या फिर कांग्रेस में बगावत फिर से होने लगेगी? हालांकि अभी इंतजार 10 मार्च को अभी है कि आखिरकार 10 मार्च को उत्तराखंड की जनता किस पर भरोसा करती है और किसको जिताती है और किसको बाहर का रास्ता दिखाती है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।